मैं स्मिता पासलकर, पहले मैं एक शिक्षिका थी, पर अभी एक साल से मैं कोई जॉब नहीं कर रही हूँ। जब मैंने 2017 में ये घर खरीदा था, तब मुझे भी नहीं लगा था कि यहाँ इतने सारे पंछी आएंगे। सबसे पहले यहाँ दो चिड़िया आई थी, जब मैंने उनके लिए पानी रखना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ने लगी। मैंने कुछ पौधे लगाए, फिर तोते आए। पहले ये सिर्फ दो ही थे। धीरे धीरे मैंने उनसे बातें करना शुरू किया और उनको खाना खिलाना शुरू कर दिया। मैंने इंटरनेट पे सर्च किया कि इन पंछियों को क्या खाना पसंद है, और उस तरीके का खाना मैं इनके लिए लाती गई। इसके बाद इन पंछियों की संख्या बढ़ती ही गई, और आज मेरे पास 30 से 35 सोन चिड़िया, 40 से 50 तोते, बुलबुल, हमिंग बर्ड और मधुकर जैसे पक्षी आते हैं। अगर आपने फूल वाले पौधे ज़्यादा लगाए तो आपके पास अलग अलग तरीके के छोटे छोटे पंछी ज़्यादा आएंगे। आज इनके साथ मिलकर बनी हुई मेरी एक अलग दुनिया है। इनके लिए समय निकालना, इनसे बातें करना, ये एक अलग खुशी है। और हमारी दोस्ती ऐसी बन चुकी है कि वो मेरे बिना और मैं उनके बिना नहीं रह सकते। ये एक अलग तरीके का मेडिटेशन है, आप इसे जरूर ट्राई करना। उनके लिए कुछ समय निकालें, उनसे बातें करें। आजकल वर्क प्रेशर, हमारी जरूरतों का प्रेशर बहुत बढ़ चुका है। ये आपकी मदद करेगा। घर में खुशी का एक माहौल बना रहेगा, एक पॉजिटिव वाइब बनी रहेगी। बहुत लोगों ने मुझसे इंस्पायर होके ये किया है और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। इस फ्रेंडशिप डे पे मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि आप पंछियों के साथ दोस्ती कीजिए। आप एक अनकंडीशनल लव चाहते हैं, कोई स्वार्थ की भावना ना हो, कोई अपेक्षाएं ना हो, सिर्फ प्यार का रिश्ता हो, तो आप पंछियों के साथ दोस्ती कीजिए। इस फ्रेंडशिप डे की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं।